भाभी मैं जाग ही रही हूँ। अनुष्पा ठीक हो तुम? तुम तो बहुत मुतमईन थी इस आदान की तरफ से। अभी मुझे वाकई अंदाजा नहीं था। मर्द चाहे तो एक लम्हे में औरत के बारे में अपनी राय बदल सकता है। औरत की सारी वजाहतें, सारी वफाएं एक लम्हे में नजरअंदाज कर सकता है। बहुत भरोसा था मुझे इस आदान। बस मेरा गुमान ही था। उसने फारिस के हवाले से तुम पे शक किया? भाभी मैं तो फारिस के ऑफिस उससे समझाने बात करने गई थी। मुझे क्या पता था कि ये सब टीना की चाल है। वो लोग मुझे जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब तो सादान को प्रूफ देना चाहिए था ना कि मैं गलत नहीं। यानी इसका मतलब है ये सब टीना और सारिम की साजिश है बल्कि नफीसा आंटी की भी। सबूत तो उन्हें भी चाहिए था ना मेरे खिलाफ। समझ गया। अनुष्पा सदान को गलत फहमी हुई है। जब उसे एहसास होगा तो वो जरूर आएगा। नहीं भाभी अब उन्हें एहसास हो भी जाएगा ना तब भी मैं वापस नहीं जा सकूंगी। आपको नहीं लगता कि जब इतने वक्त में मैं अपना एतबार कायम नहीं कर सकी तो अब आखिरकार मुझे हार मान ही जानी चाहिए। तुम्हारे एक बार फारिस के ऑफिस में चले जाने से उन्होंने तुम्हें बेवफा समझ लिया। अभी ऐसी बहुत सी बातें जो उन लोगों ने मेरे जिम्मे लगा थी और सादान ने उन्हें भी सच मान लिया। अनुष्पा खुदा सब देख रहा है और वो तुम्हारे बेगुनाह होने का गवाह है। और जब वो गवाह होता है ना तो फिर किसी की नहीं चलती। सादान जरूर पछताएगा अपने किए। भाई को बताया? नहीं आंटी ने मना किया है। वो घर आएंगे तो आंटी खुद बताएंगे उन्हें। वो तो फिर भी यही समझेंगे ना कि उनके मना करने के बावजूद चली गई मैं। फिर भी सादान ने क्या किया मेरे साथ? समान ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। वो तो हर फैसले में तुम्हारा साथ देंगे। भाभी आपको पता है मुझे बहुत मान था सादान पर। इतना साथ दिया है मेरा, हर मुश्किल में खड़े रहे मेरे साथ। लेकिन जब एतबार खत्म हो जाता है ना भाभी तो फिर ना साथ रहता है ना मान। ठीक कहती हो तुम। तुम्हें घर से निकालने में सारिम का क्या फायदा है? सिर्फ जीत, और वो भी जिद में जीत। चैलेंज किया था ना उसने मुझे कि उस घर में रहने नहीं देगा। अनुष्पा अगर उस घर के फैसले और उस घर के अफराद की लगाम सारिम के हाथों में तो उस घर से उन लोगों से तुम्हारी जान छूटी जाए तो बेहतर है।